एक ओर जहां बच्चे पढ़ाई छोड़कर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के मदरसे में 25 बच्चों ने कुरान को कंठस्थ किया। आज के समय टीवी और मोबाइल के होने के साथ साथ माता पिता अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं और नतीजा यह होता है कि धर्म संस्कृति और पढ़ाई से बच्चे काफी दूर हो जाते हैं। हालांकि शहर में एक मदरसा ऐसा भी है जहां पर पढ़ाई के साथ साथ अपने धर्म के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित कर धर्म के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आगर रोड पर गांधीनगर स्थित मकबल मरकजुत्तोहिद मदरसा ऐसा मदरसा है जहां पर उर्दू की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पहले भी कई बार इस मदरसे में बच्चों द्वारा धार्मिक ग्रंथ कुरान को कंठस्थ किया जा चुका है और यहां पर विगत दिनों लगभग 25 से अधिक बच्चों को धार्मिक ग्रंथ कुरान का पाठ कंठस्थ कराया जा चुका है। इस कारण हौसला अफजाई के तौर पर उन्हें इनाम भी वितरित किया गया। इस अवसर पर जलस का प्रोग्राम रखा गया जिसमें मेहमान के तौर पर मोहम्मद नजीर अहमद साहब ने शिरकत की एवं 125 बच्चों को इनाम दिया, जिसमें 25 बच्चों ने धार्मिक ग्रंथ कुरान को कंठस्थ मुकम्मल किया एवं बाकी बच्चों ने तकरीर सुनाई। इस प्रोग्राम के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के प्रोग्राम भी दिए गए एवं बच्चों को देशभक्ति गीत भी सुनाए। इस कार्यक्रम के संचालक मौलाना जलाल अहमद साहब, असगर खान एवं अकरम खान साहब थे। कार्यक्रम के कन्वीनर जावेद खान एवं जब्बार कुरैशी थे। बहुत अच्छा अंदाज के नाम अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शमायला और जरीन इन दोनों बच्चों को दावत देता हूँ आपके सामने निकालने के लिए। अल्लाह के हुक्म से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर जिंदगी गुजारे, यही इसका मकसद है। प्राइवेट एक मकतब है, इस मकतब का नाम है दीनियात मकतब मरकजुत्तौहीद। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे मौलाना जमाल साहब हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इनके मदरसे का नाम मकतब है और ये बच्चों को दीनी बातें सिखाते हैं जिससे बच्चे दुनिया में भी तरक्की करते हैं और दीनी में भी तरक्की करते हैं। आज इंशाल्लाह यहाँ गांधीनगर में मदरसे के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसके अंदर 120 बच्चों की तादाद है और यहाँ पे करीबन 20 बच्चे कुरान हिफ्ज हुए हैं। उसके साथ और भी बच्चे जो हैं वो दीन की तालीम ले रहे हैं। दीन की तालीम लेने के साथ साथ उनको अच्छा इल्म दिया जा रहा है, जिंदगी जीने की अच्छे तरीके बताए जा रहे हैं।